हमारे तो जो कोई पार्टी के किसी के संपर्क में है नहीं है, उस चीज की उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी पोल बहुत जल्दी इस बात को लेकर के खुलने वाली है कि उन्होंने किस किस डेट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मीटिंग करी, किस डेट में अनिल जैन के साथ मीटिंग करी। इंद्रजीत वाली पोल तो खुली गई थी, तो जाकर के मुलाकात करके आए थे, और जो दूसरे लोगों के साथ मुलाकात हुई है वो पोल भी बहुत जल्दी खुलेगी। इन्होंने तो करण दलाल और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी मुलाकात करी, और ये सारी चीजें सबूत के साथ देंगे। ये सारी बातें जहाँ से मेरे पास चल करके मैंने उन सब लोगों से कहे कि मुझे सबूत चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि मेरे पास ये सारे सबूत अगले 2-4-6 दिन में आ जाए। आएंगे तो मैं फिर दिखाऊंगा कि किस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करने के लिए इन लोगों ने किन किन लोगों से जाकर के हाथ मिलाए और षड्यंत्र रचा। आज की तारीख में ये कहना कि हमारा कसूर क्या है, तो फिर 8 तारीख को जो हुआ था उसके लिए कौन दोषी था? 7। उसके बाद हमें ये उम्मीद थोड़ी थी किसी को भी, हमारे पार्टी के एक भी लीडर को इस बात को लेकर के उम्मीद नहीं थी कि अजय सिंह जेल से आने के बाद इस भाषा का प्रयोग करेगा। उसने तो आते सीधा सीधा चौटाला साहब के ऊपर आरोप लगाया, मुझे दुर्योधन का, जयचंद का,